तो दोस्तों फाइनली आज 17 फरवरी हो चुके हैं और आज इंडियन मार्केट में वन प्लस का एक न्यू स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है जो कि वन प्लस नोड सीई टू होने वाला है। अब ये एक 5G स्मार्टफोन होगा और काफ़ी अफोर्डेबल 5G स्मार्टफोन होगा। अब देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि वन प्लस काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम और फ्लैगशिप स्मार्टफोन लॉन्च करता है, बट अब यहाँ पर वन प्लस सस्ते स्मार्टफोन भी लॉन्च करने लगा है और ये वन प्लस का अब तक का सबसे अफोर्डेबल स्मार्टफोन होने वाला है जो कि आज शाम 5:15 पर इंडियन मार्केट लॉन्च कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों लॉन्च से पहले स्मार्टफोन जो प्राइस है वो निकल करके आ चुकी है, साथ ही इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि इस स्मार्टफोन आपको क्या स्पेक जो वो देखने को मिलने वाली है। तो अगर आप यहां पर वन प्लस के नोड 2 CE स्मार्टफोन के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि वीडियो जो है वो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सूरज, आप देख रहे हैं एस टेक्निकल इंडिया यूट्यूब चैनल। तो बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए यहाँ पर स्मार्टफोन जो डिजाइन वगैरह है वो भी आपको काफी कमाल का देखने को मिल जाता है। कुछ इस तरह का यहाँ पर आपको डिजाइन स्मार्टफोन में देखने को मिल जाएगा। स्मार्टफोन देखने में तो काफी ज्यादा कमाल का लगता है, बट यहाँ पर स्मार्टफोन जो स्पेक्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा कमाल की होने वाली है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे स्मार्टफोन के डिज़ाइन की। तो यहाँ पर दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको प्लास्टिक का ही फ्रेम देखने को मिल जाएगा, साथ ही प्लास्टिक का ही डिज़ाइन देखने को मिल जाएगा जिसमें आपको ग्लासी फिनिश देखने को मिल जाती है। साथ ही पीछे की तरफ आपको वन प्लस की ब्रांडिंग और ट्रिपल रियर यहाँ पर आपको कैमरा देखने को मिल जाएगा। कैमरा सेंसर्स की अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो प्राइमरी कैमरा आपको देखने को मिलेगा वो 64 मेगापिक्सल का होगा। इसी के साथ में एक 8MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा दिया जाएगा और एक 2 मेगापिक्सल का यहाँ पर आपको मैक्रो कैमरा भी देखने को मिलने वाला है। ओवरऑल स्मार्टफोन में आपको कैमरा और डिज़ाइन काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। डिज़ाइन में आपको ऐसे कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट यहाँ पर आपको कवर वगैरह लगा कर रखना होगा क्योंकि प्लास्टिक पे इजीली स्क्रैचेस आ जाते हैं। साथ ही बात करें स्मार्टफोन के डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले में यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का डिज़ाइन देखने को मिल जाएगा जो कि पंच होल डिस्प्ले होने वाला है और यहाँ पर डिस्प्ले का साइज जो आपको देखने को मिलेगा 6.43 इंच होने वाला है। अब ये एक एमोलेड डिस्प्ले होगा तो कलर वगैरह यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाएगा और काफ़ी कम बैटरी भी ये कंज्यूम करने वाला है। साथ ही यहाँ पर आपको कॉर्निंग ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगी और 90Hz का जो है रिफ्रेश रेट देखने को मिलने वाला है। ओवरऑल अगर आप यहाँ पर डिस्प्ले को देखते हैं तो काफ़ी अच्छा डिस्प्ले रहने वाला है। अगर इसको रियलमी के 9 Pro Plus स्मार्टफोन से कंपेयर करते हैं तो दोनों डिस्प्ले सिमिलर से आपको परफॉर्मेंस प्रोवाइड कराने वाले हैं। साथ ही दोस्तों अगर हम बात करें स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस को लेकर के प्रोसेसर की, तो यहाँ पर प्रोसेसर में आपको थोड़ी सी नाराजगी शायद हो सकती है क्योंकि यहाँ पर आपको मीडियाटेक का डायमेंसिटी 900 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जो कि थोड़ा सा पुराना हो चुका है। अगर यहाँ पर 920 जैसा प्रोसेसर प्रोवाइड करा देते हैं वन प्लस वाले तो शायद थोड़ा और बेहतर स्मार्टफोन हो सकता है, बट यहाँ पर प्रोसेसर पुराना प्रोवाइड कराने की एक वजह यह है कि स्मार्टफोन काफ़ी समय पहले चाइना मार्केट में लॉन्च कर दिया गया था। अब काफ़ी समय लंबे इंतजार के बाद इंडिया मार्केट में वन प्लस इसको लॉन्च करने वाला है। साथ ही दोस्तों स्मार्टफोन का आपको टोटल जो है वो 2 वेरियंट देखने को मिलेंगे। जो बेस वेरियंट होगा वो 6GB RAM प्लस 64GB स्टोरेज के साथ में आएगा जिसकी कीमत आपको 24,000 रुपये देखने को मिलने वाली है और यहाँ पर आपको ICICI बैंक डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा जो कि 1500 रुपये का होने वाला है। तो यहाँ पर स्मार्टफोन आपको काफ़ी सस्ते प्राइस पर देखने को मिल जाएगा फर्स्ट सेल में। और जो उसका सेकंड वेरियंट होगा वो 8GB RAM प्लस 128GB स्टोरेज के साथ आपको 26,000 रुपये में देखने को मिलेगा और वहाँ पर भी आपको 1500 रुपये का जो डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 100% कन्फर्म प्राइस जो लीक हो गई थी मैंने आप सभी को बता दी। अब वहीं पर बात करें स्मार्टफोन की बैटरी की, तो बैटरी में भी आपको ऐसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर आपको 4500 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, USB टाइप सी पोर्ट देखने को मिल जाता है और 65W का यहाँ पर आपको वूक चार्जर देखने को मिल जाता है। अब वूक फ्लैश चार्जर यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी वैल्यू ऑफर कर देता है, काफ़ी फास्ट स्मार्टफोन चार्जिंग सपोर्ट करता है। आपका स्मार्टफोन 0 to 100% अराउंड 30 मिनट में ही चार्ज हो जाएगा, तो एक काफ़ी अच्छा फीचर्स रहने वाला है। अब रियलमी की तरह ही यहाँ पर आपको स्मार्टफोन में कुछ स्पेक्स देखने को मिल जाती है, बिल्कुल रियलमी 9 Pro Plus जैसी स्पेक्स स्मार्टफोन में देखने को मिलती है, बस प्रोसेसर में यहाँ पर आपको थोड़ा सा चेंज देखने को मिल जाता है। अगर आप इस स्मार्टफोन का कंपैरिजन देखना चाहते हैं रियलमी के 9 Pro प्लस स्मार्टफोन से तो कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको इसका लॉन्च इवेंट देखना तो भी कमेंट कर देना क्योंकि आज शाम 5:15 पर इसका जो लॉन्च इवेंट है ऑफिशियली चालू कर दिया जाएगा वन प्लस इंडिया के यूट्यूब चैनल पर। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर स्मार्टफोन की प्राइस आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।